बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बनाएंगे मटन गलावटी कबाब, जिसके लिए हमने 250 ग्राम कीमा लिया है। इसको हमने महीन पीस लिया है। इसमें जो चीज़ हम लोग डालते हैं गलावट के लिए, हमने पपीता लिया है। देखिए, हमको पपीता कच्चा नहीं मिला, तो हमने इसका छिलका, इससे भी गल जाता है, ये लिया है। देखिए, लहसुन और अदरक ली है। इसको हमने पीस के एक पेस्ट रेडी कर लिया है। इधर हमने पैन रख दिया है चूल्हे पर, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। और हमने कुछ मसाले लिए हैं। ज़ीरा है 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, धनिया है 2 टीस्पून, और ये 4 सूखी लाल मिर्ची हैं। और ये पोस्ता है, पॉपी सीड्स, थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, ये सूखी हुई है। सभी चीज़ों को हम पैन में डाल देते हैं। ये भी डाल देते हैं। पोस्ता भी डाल देते हैं। और अच्छे से इसको धीमी आंच पे भून लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस लाइट लाइट भूनना है। ये कि देखिए, अच्छे से भून गया है। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसको हम ठंडा करके इसे हम पीस लेते हैं। अब जिस चॉपर में हमने कीमे को पीसा था, उसमें हम फिर से कीमा को डाल लेते हैं। इसमें अच्छे से कबाब हमारे मिक्स हो जाएंगे। इसमें हमने लहसुन अदरक और गलावट पपीता जो हमने पीसा था उसको डालेंगे। हरा धनिया हमने लिया है, इसको भी डाल देते हैं। साथ में अच्छे पिस जाएंगे। और ये हरी मिर्च है, दालचीनी का पाउडर है, सिलमन का पाउडर है, और ये तली हुई प्याज है, इसको भी डाल देंगे। और ये 1/4 हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। सॉल्ट है 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। और ये भुना हुआ आटा है, हमने चने का आटा लिया है। और जो मसाला हमने पीस के रखा है ये भी डाल देंगे। और सभी चीज़ों को अच्छे से फिर से मिक्स करते हैं। केवड़ा वाटर लिया है, ये भी डाल देते हैं 1 टीस्पून, अच्छी सी खुशबू लाने के लिए। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने हरी मिर्च और लाल सूखी मिर्च डाली है, इतना तीखा काफ़ी है। और ये देखिए, हमने अच्छे से पीस लिया है सभी चीज़ों को। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं रखे हुए रेस्ट के लिए इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि इसमें फैट नहीं था। और अच्छे से फिर से इसको मिक्स करके इसकी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। और ये देखिए, हमने कबाब रेडी कर लिया है जितने हमें चाहिए। और ये मिक्स रखा हुआ है गरम गरम, आप बच्चों को या बड़ों को दीजिए। इसी तरह से बना के रख लीजिए फ्रीज में। इधर हमने ऑयल रखा है गरम होने के लिए, थोड़ा सा इसको हम गरम होने देते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, हम कबाब को
डाल देते हैं। फ्लेम को हमने स्लो रखा है। और हम कबाब को पलट लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। दोनों तरफ से कबाब हमारे सिक गए हैं। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये देखिए इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। एकदम सॉफ्ट से हैं, धीरे से उठाना है इसको। और इधर अब हम प्लेटिंग करते हैं। लेमन रखते हैं। और ये हरी मिर्च। ये देखिए हमारी